हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से पूछ रहे हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने रील डाला था, तो ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल मोमेंट है। इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पता है ट्रेडिंग जर्नी के अंदर मेरे 10,000 बने या जब 1,00,000 बना या फिर 50 बना, 1 करोड़ बना, 2 करोड़, ये एज ए ट्रेडर खुद को मोटिवेशन लगता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और आप लोगों को जर्नी शेयर किया हूँ कम्प्लीटली। 4-5 साल से आप लोग मुझे देख रहे हो इन डिटेल्स में कि नहीं, किस तरीके से स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करते थे, बड़े कैपिटल में ट्रेड किए। तो दैट मीन्स आपको ये समझ में आना चाहिए कि नहीं, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये 6-7 साल का एफर्ट्स है। और जो बार बार मुझे लोग बोलते हैं कि नहीं ये डिप्रिसिएटिंग एसेट्स है, गाड़ी क्यों खरीद रहे हो एंड ऑल, तो मैं ये मानता हूँ कि नहीं, लाइफ भी हम लोग को एक ही बार मिली है एंड ये भी हम लोग का लीज पे ही है लाइफ, हमको पता नहीं कब क्या होने वाला है। लेकिन लाइफ में कुछ ड्रीम होता है एंड जितने लोग मतलब खासकर लड़के लोगों को गाड़ियाँ बहुत पसंद है, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बचपन से ही गाड़ियाँ मुझे पसंद है। आप मुझे बाइक बोलोगे मुझे पसंद इतना नहीं आता है, लेकिन कार अगर बोलोगे तो बहुत ज्यादा क्रेजी हूं। तो ये कुछ ऐसा सॉफ्ट टाइप नहीं है, जस्ट मोटिवेशन, या फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं, आप ये सोच सकते हो कि नहीं, हाँ टाइम लगेगा चीज़ों के ऊपर, लेकिन हाँ अगर आपने कभी सोचा है चीज़ों के लेकर, अगर आपने सही एफर्ट डाला है और सही पाथ में अगर आप जा रहे हो, तो आज नहीं तो कल हो जाएगा। मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन हाँ चीज़ें होती है, ड्रीम पूरा होते हैं। अभी जो कार आप लोग देखने वाले हो या फिर जो गाड़ी मैंने डिलीवरी लिया, ये मेरे बचपन से ही मेरे माइंड में था। आप लोग गेम खेलते थे, आप लोग को याद होगा NFS गेम हो गया, कोई हो गया, उसके अंदर गालाडो हो गया, या फिर जितने लोग गेम खेले उन लोग रिलेट कर पाएंगे। तो ये एक ऐसे ब्रांड की गाड़ी थी कि नहीं, जो मेरे माइंड में बहुत टाइम तक था। तो जितने लोग मार्केट में हैं उन लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, मतलब ये कोइंसाइडली हम लोगों को बुल का सिंबल हम लोगों को लैम्बोर्गिनी गाड़ी में मिलता है। ट्रस्ट मी, आज के डेट पे भी अगर आपके पास पैसा है ना, तो आप जाके सीधा खरीद नहीं सकते। मेरे साथ ऐसा होता है कि नहीं, मैं अगर एक जगह पे पहुंच गया तो मैं जाके डायरेक्टली प्लान करता हूं। लेकिन ये गाड़ी ऐसा था कि नहीं, लास्ट ईयर 1 से 1.5 साल हो गया हम लोगों ने बुक करके रखा था, और उस टाइम पे मुझे ये सियोरिटी नहीं था क्या मुझे इसमें सच में खरीदना चाहिए, नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे मैं भी श्योर नहीं था कि नहीं नेक्स्ट ईयर कैसा होगा या आने वाले टाइम कैसा होगा। क्लासेस एंड ऑल आपको पता है मैं बंद कर चुका था पूरा, तो मैं इसलिए प्लान नहीं कर पाता। तो माइंड में बार-बार चलता था कि नहीं, अगर मैं ट्रेडिंग में अगर नहीं कमा पा रहा हूं, तो फिर दैट डजंट मेक एनी सेंस कि नहीं, गाड़ी लेना या फिर दूसरी चीजें करना सेंस नहीं बनता। हाँ, तो फिर ना मैंने ट्रेडिंग के ऊपर फोकस किया। आपको पता होगा 2-3 साल हम लोगों ने ट्रेडिंग के, लास्ट ईयर भी मैंने ट्रेडिंग के ऊपर फोकस किया। बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं था, लेकिन जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था कैपिटल के ऊपर, उतना हम लोगों को मिला। एंड सेकंड थिंग, जैसे 1-1.5 साल हम लोगों ने वेट किया फाइनली, और मैंने ये प्लान किया था 30 बर्थडे से पहले मुझे गाड़ी चाहिए करके। तो गाड़ी जब लॉन्च नहीं हुआ था, तब से हम लोगों ने बुक कर लिया था। पहले हम लोगों ने उरुस एस बुक किया था, एंड उस टाइम पे मुझे लगता था कि नहीं चलो उरुस एस बेस्ट रहेगा चलाने के लिए एंड ऑल। फिर जब परफॉर्मेंस आया, जब मैंने देखा गाड़ी को एंड जब उसका आवाज एंड ऑल, फैक्ट्री फिटेड बहुत सारा चीजें थी। इन डिटेल्स वीडियो में आप लोगों के लिए एक बनाऊंगा सुभाजंजलि बकेट लिस्ट चैनल में, किस तरीके से मैंने फाइनेंशियल प्लान किया, किस तरीके से मैंने गाड़ी परचेस करता हूं, तो क्या प्लानिंग रहता है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है एंड किस तरीके से उसको मैं रिकवर करता हूँ। डिप्रिसिएटिंग एसेट जरूर है, लेकिन सही से अगर मैनेज करे तो फिर ये एक बैलेंस्ड हो जाता है चीजें। तो मैं इसके ऊपर इन डिटेल्स में सुभाजंजलि बकेट लिस्ट चैनल में आपको लिए बनाऊंगा, तो आप लोग हिट द लाइक बटन अगर आपको उसको वीडियो चाहिए। तो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था, मैंने उरुस एस बुक किया था, ऑलमोस्ट 40 या 50 लाख कुछ उस टाइम पे लिए थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने फिर जब परफॉर्मेंस देखा, तो इंटरेस्टेड वहां पे रहा कि नहीं, टॉप ऑफ द लाइन कोई भी अगर गाड़ी का मिल रहा है तो वेल एंड गुड,
एक बार में काम खत्म हो जाता है और फैक्ट्री फिटेड बहुत सारी चीज़ें आती थी। फिर मैंने उनको पूछा कुछ अगर मेरे कलर प्रेफरेंस में अगर कुछ गाड़ी अवेलेबल है तो फिर दीजिए, तो बाई कॉन्सिडेंटली हम लोगों को फिर से ऑलमोस्ट सेम कलर हम लोग को ग्रीन कलर उर्स एस बुक किए थे, और ये भी नियॉन कलर है, ग्रीन का ही सेड है, तो हम लोग को ग्रीन कलर में मिल गया। और ग्रीन इसीलिए पसंद था, इनको ग्रीन पसंद है, एंड सेकेंड थिंग मार्केट के साथ भी रिलेट हो जाता है कि नहीं बुल इज मतलब रिप्रेजेंट ग्रीन और अपसाइड करता है, तो ये गाड़ी का नाम भी हम लोगों ने द बुल दिया है। सारी चीजें ना कोइंसाइड हो गए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नहीं किस तरीके से मैंने ट्रेडिंग चूज किया, और उसके बाद गाड़ी का सपना बहुत पहले से था, और सेम हम लोगों को लोगों के साथ कलर के साथ मिल गया। तो जो डॉट्स होते हैं ना वो धीरे धीरे इन फ्यूचर कनेक्ट होते हैं, ये अभी समझ में आ रहा है कि नहीं जो ड्रीम होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। अभी बात किया जाए अगर डिलीवरी की, तो हम डिलीवरी के लिए दिल्ली गए हुए थे। हम लोगों का ये था कि सुभाषिश के मतलब मेरे इन लॉज एंड सुभाषिश के पेरेंट्स दे वर ट्रैवलिंग टू बैंगलोर, तो हमको गाड़ी पे डिलीवरी लेना था एंड देन हमको उनको सरप्राइज भी करना था। हमने वो टाइमिंग लैम्बोर्गिनी दिल्ली के साथ डिस्कस करके प्लान किया एंड देन 15 को सुभाषिश के पेरेंट्स यहाँ पर आए। उनका जो स्पेशल डिलीवरी था ना, तो उसके लिए हम लोगों ने नंदी हिल्स में एक जगह है वहाँ पे हम लोगों ने प्लान किया था। एक काम करेंगे उसका डिटेल्स वीडियो ना सुभाषिश बकेट लिस्ट में डाल देंगे, सो दैट सेपरेट रहेगा, ये वीडियो को थोड़ा सा छोटा रखते हैं। एंड दिल्ली में जो हम लोगों ने इन हाउस हम लोगों ने लिया, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा था, मतलब ऐसा कुछ खराब नहीं था, अच्छा था। और जो मैंने मुझे जो मन था कि नहीं ऑटो में जाना है, स्लीपर में जाना है, और तब जाके मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा, ये मेरे माइंड में बहुत पहले से था। मैंने बोला कि नहीं अगर टाइम मिला अच्छा, है अगर तो मैं पूरा करूंगा। आप अगर जानना चाहो सुभाषिश स्लीपर में ही क्यों गए थे, तो इसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है अगर आप शेयर करना चाहो। तो ये आई थिंक मुझे याद है 2014-15 के टाइम में जब जॉब ढूंढ रहा था, उस टाइम पे मैं ना जो आपका ब्लू कलर का बाथरूम का स्लीपर होता है ना वो पहन के ना मैंने इंटरव्यू चला गया था, मैं भूल गया था एक्चुअली घर पे, एंड ऐसे जल्दी जल्दी में उसको पहन के मैं निकल गया था। एंड वहाँ पे जो इंटरव्यूअर था ना वो बहुत सुनाए थे, और आप डेकोरम नहीं है, आपको मैनर नहीं पता है, कैसे आते हैं। मैंने उनको बस बताया कि नहीं टैलेंट देखना चाहिए, स्किल देखना चाहिए, एंड ये मैटर नहीं करता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये जो बाहर 200-250 लोग हैं आप ज़्यादा टैलेंटेड हो उनसे, एंड तो फैक्ट नो इशू। तो उस दिन बहुत ज्यादा बुरा लगा था मुझे, एंड तो माइंड में रह जाता है कभी कभी कुछ, आपको अगर बुरा थॉट्स आता है या फिर कोई कुछ बोलता है या फिर कुछ ना, आप भले उस टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाते लेकिन वो माइंड में रह जाता है। तभी से मेरे माइंड में था कि नहीं ये मेमोरी को मुझे बस रिप्लेस करना है एक अच्छा मेमोरी के साथ। तो ये सारे कनेक्ट हो गया कि नहीं चलो ऑटो में जाना है, स्लीपर में पहनना है, और स्किल के हिसाब से स्किल के ऊपर मुझे गाड़ी लेना है। जब सुभाषिश ने मुझे बोला स्लीपर पहना है, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, एंड जब उन्होंने मुझे ये स्टोरी बताया तो आई वॉज 100% श्योर ये तो हम करने ही वाले हैं, ये हम नहीं छोड़ेंगे। बस यही छोटी छोटी चीज है, इट वॉज ऑल टुगेदर अ फन थिंग, एक अचीवमेंट है, इट वॉज पार्ट ऑफ आवर लिस्ट। जो सुभाषिश की लिस्ट है वो मेरी भी हो गई है फाइनली। तो हम लोगों को ना शोरूम के अंदर जाने के बाद थोड़ा सा गेम खिलाया है, एंड हम लोगों ने बैठा वहाँ पे, हम लोगों को तीन गाड़ियाँ थी जो हम लोगों ने पहले भी बुक किया था, वो गाड़ी भी रखे थे, और किसी का डिलीवरी होने वाला था उसका रखे थे, होने वाला था इन द सेंस वो एंड में होगा एक डेढ़ महीने के अंदर, एंड हम लोगों का गाड़ी था। तो मैं तो एलॉय देख के ही पहचान गया था कि नहीं ये तो हमारी गाड़ी है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था क्योंकि कलर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम दिख रहा था, ग्रीन एंड नियॉन टाइप कलर। इसको एक्चुअली एग्जैक्ट क्या बोलते हैं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, मतलब वर्दे मेंटिस, हाँ स्कैंडली ऐसा कुछ। फिर हम लोगों ने वहां पे गेम खेला, फिर उन्होंने हम लोगों को एक्सपीरियंस पूछा, फिर हम लोगों ने गाड़ी डिलीवरी ली, फिर पहला एग्जॉस्ट साउंड एंड ऑल ये हम लोगों ने देखा, इन डिटेल्स में समझा, बहुत सारे उन लोगों ने गिफ्ट्स एंड ऑल बनाए थे, वो गुडीज उन्होंने प्लान किया था। बस हमने नॉर्मल पूजा की छोटी सी एंड डिलीवरी लेके गाड़ी दिल्ली से बैंगलोर आई हम लोगों ने। फिर वो एग्जैक्टली जिस टाइम पे बताए थे, मैंने रात को डिलीवरी लिया था, ऑलमोस्ट 1:30 या 2 बजे के आसपास मैंने डिलीवरी लिया था, और उन्होंने गाड़ी पहुंचाया था। अभी रात के बजाय है 1:00 के आसपास, अभी बस वेट कर रहा हूँ कि नहीं कभी फाइनली पहुंचे। अभी अनलोड होगा इससे ट्रक से, एंड अनलोड करके फिर हम लोगों ने एक दूसरे पार्किंग में रखा, फिर उसके बाद हम लोग नंदी हिल्स गए, हम छुपा के रख रहे थे एक दिन छुपा के रखना पड़ा, फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए, फिर वहाँ पे प्लान हुआ। फिर अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट घूम घाम के भी आ चुके हैं, ऑलमोस्ट कुर्ग भी गए थे घूम के आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, अगर आप लाइक करोगे तो हमको समझ में आ गया कि नहीं चलो हाँ आप लोग एज ए पार्ट ऑफ फैमिली आपको भी अच्छा लग रहा है। आई नो एक चीज़ लाइफ के अंदर हमेशा ध्यान में रखो, जो भी आपके अंदर
फ्री में, राइट, जो भी आपका प्लान है, नॉट अबाउट गाड़ी या फिर कार बाइक ही सारे नहीं, लेट इट बी कि नहीं आपका कुछ भी प्लान है, तो इट्स योर प्लान, आपको ड्रीम दिखा है, आपने देखा है, तो डोंट टेक परमिशन फ्रॉम एवरीवन, एंड अगर आपको दिखा है तो डू इट इन राइट वे, उसके लिए आप मेहनत करो, एफर्ट्स करो, करेक्ट वे पे करो। हाँ, टाइम लग सकता है लेकिन चीज़ें पूरा होता है, आप लोगों ने देखा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, हम लोगों ने 1 लाख 10 लाख 50 लाख और इन इंट्राडे ऑल्सो हम लोग 2 करोड़ भी बनाए, जो कि मेरा बहुत पहले से ड्रीम था, रिसेंटली ऑप्शन बाइंग में भी हुआ है, तो ये बहुत पहले से ड्रीम था। मैं बार बार एक चीज आपको बताया हूँ कि नहीं, कीप कंटिन्यूस एफर्ट और चीज़ों को ना सिंपल रखो, जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे एंड प्रोसेस को बहुत फास्ट मत करो। आज गाड़ी लेने के लिए इसीलिए मजा आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इतना टाइम तक वेट किया है, उसके लिए काम किया। अगर इमेजिन करो कि नहीं, पहले दिन ही अगर आप 5-10 करोड़ हो जाता है अकाउंट के अंदर और मैं जाके गाड़ी लेता, उतना मजा फील नहीं आता या फिर उतना खुशी नहीं मिलती। दैट मीन्स प्रोसेस को एंजॉय करो इरेस्पेक्टिव ऑफ, मतलब आउटकम क्या निकलेगा, अगर आप प्रोसेस सही से फॉलो किए हो तो आउटकम अच्छा है। कर रहे हो तो वो आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा। करेक्ट, हम लोग को भी कभी स्ट्रगल नहीं लगा लाइफ के अंदर, हम लोग ये सोचे कि नहीं हाँ अगर वीडियो बनाना है तो बनाना है, अगर ट्रेड करना है तो करना है, अगर अच्छा चीजें दिख रहा है क्वांटिटी लेना है, अगर लॉस हो रहा है तो उसको मैनेज करना है, फिर नेक्स्ट डे देखना है। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो, राइट, तो फिर आपका आउटकम अच्छा हो ही जाएगा क्योंकि आपने प्रोसेस में इतना एफर्ट डाला है। एंड डोंट फील बैड फॉर द रिजल्ट, आज अच्छा नहीं हुआ रिजल्ट, ठीक है, कल सुबह फिर उठने वाले हैं, फिर से नया दिन आने वाला है, फिर से एफर्ट्स डालेंगे एंड आउटकम को चेंज करने की कोशिश करेंगे। एंड यही प्रोसेस से ही आप सीखोगे और यही प्रोसेस में ही मजा है और यही प्रोसेस में ही आप लोगों को खुशी मिलेगा जब आप अपना धीरे धीरे ड्रीम को पूरा करते रहोगे। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड डिटेल्स वीडियो, जैसे मैंने बोला, फाइनेंशियल हो गया, गुडेस एंड ऑल डिलीवरी का ये मैं ट्राई करूंगा शुभांजलि बकेट लिस्ट चैलेंज में डालने के लिए, तो वहां पे आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये वन ऑफ द बकेट लिस्ट है हम लोग का पूरा हुआ है उस चैनल के अंदर, हम लोग बकेट लिस्ट पूरा करते हैं, तो आप लोग देख सकते हो लाइफ के अंदर छोटे छोटे चीजें एंजॉय कर सकते हो। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, थैंक यू। हम लोग आ चुके हैं, अगर आप बैकग्राउंड देख रहे होंगे नंदी हिल्स का बहुत अच्छा है। अच्छा, जल्दी आ जाओ।